नर्मदापुरम जिले की सुहागपुर तहसील में ग्राम पंचायत भट्टी में विकास यात्रा का आगमन हुआ। यहां पर ग्रामीणों द्वारा विकास यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। हर बार की तरह इस बार भी विधायक ठाकुर विजयपाल सिंह जी ने ग्राम के वरिष्ठ नागरिकों का फूलमालाओं से स्वागत किया। इसके बाद विधायक जी द्वारा सभी के ऊपर पुष्प वर्षा की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। विधायक विजयपाल सिंह जी ने लाडली बहन योजना पर प्रकाश डाला और बताया कि 5 मार्च शिवराज सिंह जी के जन्मदिन से लाडली बहन योजना का शुभारंभ हो जाएगा। उन्होंने तीर्थ दर्शन योजना के बारे में बताया कि अब हम तीर्थ दर्शन योजना में एरोप्लेन से तीर्थ दर्शन योजना चालू करने वाले हैं। क्योंकि यह विकास यात्रा का उद्देश्य है कि सभी का स्वागत करें, क्योंकि आप वोट रूपी आशीर्वाद देते हैं जब ही हमारी सरकार बनती है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाना उद्देश्य नहीं रहता, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाने का कुर्सी हटाने का हम विकास करना चाहते हैं। हम जनता के सुख दूर करना चाहते हैं, किसानों की समस्या हल करना चाहते हैं। और निरंतर भारतीय जनता पार्टी इसमें लगी रहती है कि हमारे गांव का किसान मजदूर। खबर भारतवर्ष के लिए सुहागपुर तहसील ग्राम भट्टी से कमल मेहरा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।